प्रतिक्रिया। वहीं दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी योगाभ्यास किया और योग के फायदे बताए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से बातचीत की सहयोगी शंकर आनंद ने। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कार्यक्रम है और पूरे विश्व भर में योगा कार्यक्रम किया जाएगा और इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस वक्त में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी बकायदा योगा कर रहे हैं। योगा अब तो एक भारत के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा है। आप खुद कर रहे हैं, हालांकि आप तो पहले से भी करते रहे, कैसा फील हो रहा है ये पूरा योगा? देखिए, ये व्यक्तिगत रूप से तो सबके लिए बहुत उपयोगी है। स्वस्थ और निरोग रहना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इस विधि का उत्पत्ति भारत भूमि से हुई है, हमारे मनुष्यों ने किया है और पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इंटरनेशनल योगा डे के रूप में पूरा दुनिया मना रहा है और इसकी मान्यता दुनिया में हुई है। मूल रूप से आप झारखंड के रहने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी खुद अब जा रहे हैं योगा दिवस में वहां पे और आप भी रहेंगे, तो पूरे आप झारखंड वासियों को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि खास तौर पर प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने झारखंड को चुना है। ये उनकी महानता है कि देश के अंदर झारखंड प्रदेश को उन्होंने योगा दिवस में समर्पित किया है और वहां जा रहे हैं, तो यह झारखंड के लिए बहुत खुशी की बात है और हम हृदय से उनके आभारी हैं। जागरण की मुहिम को और बेहतर एवं प्रभावी बना करके हर आदमी जुड़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। प्रधानमंत्री मोदी 21 तारीख को झारखंड पहुंचने वाले हैं, वहां पर योगा कार्यक्रम में शिरकत लेंगे और बकायदा अर्जुन मुंडा जी ने खुद कहा कि जिस तरह से योगा को लेकर झारखंड भर नहीं पूरे विश्व भर में एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही, तो इसका असर भी आने वाले वक्त में देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18।